सोनीपत में बिजली विभाग की एक बार फिर आई लापरवाही सामने। बिजली विभाग पर किसानों ने लगाए आरोप, शॉर्ट सर्किट होने के कारण 4 एकड़ फसल जलकर हुई खाक। सोनीपत के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ कार्यवाही करवाने और मुआवजे को लेकर दी पुलिस को शिकायत। किसान कुलदीप सिंह के मुड़थल से ताजपुर रोड पर खेतों में आग लगने से किसान मायूस। किसानों का कहना है कि पेड़ों के ऊपर से हॉट लाइन गई हुई है, आपस में बिजली के तारों में स्पार्किंग होने के कारण खेतों में आग लगी है। किसानों ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर NCR कटवाई है। किसानों ने बिजली विभाग पर कार्यवाही करने के साथ साथ मुआवजे की भी मांग की है। से किसान भाई को नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ? ये जो खंभे जा रहे तार जा रहे हैं सफेदा में, जब भी आंधी उड़ा है वो टकरा कर स्पार्किंग हो गया है। 2-3 बार पहले अभी थोड़ी बहुत आग लगी है, लेकिन ये 3-4 किले जड़ गए। ये हॉट लाइन है, दिन में भी चल रहे ना, सरकार की दिया है कि दिन में बंद रखो, लेकिन यह 24 घंटे चल रहे हैं। काफी नुकसान हो गया है। हाँ। अपनी कमाई के लिए क्या मांग करते हो आप लोग? हम ये मांग कर रहे थे जो मुआवजा है 1.5-2 लाख का इसका हो गया, 1 लाख सारे का दूसरे का हो गया। क्या नाम भाऊ जी आपका? प्रेम सिंह। भाई साहब क्या नाम है, क्या परेशानी है, किस बात को लेकर ये शिकायत दी है? मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं गाँव मुरथल का रहने वाला हूँ। मैंने 4.5 एकड़ गेहूँ उगा रखे थे, जो कि जो मुबारक सेलर है वह प्राइवेट लाइन ने बिजली विभाग ने उनको दे रखी है, और उसके कारण चिंगारी शॉर्ट होती रहती सुबह, और उसके कारण मेरा 2.5 एकड़ गेहूँ जल गया और 1.5 एकड़ एक भाई का जल गया, और उसमें आगे भी इतना खतरा है कि बार बार आग लगने का खतरा है। आगे के लिए सेफ रखे बिजली। लगभग कितने का नुकसान है ये आपका? नुकसान है जी मेरा 1.5 लाख का। क्या मांग करते हो? अभी शिकायत दी है, किसको शिकायत दी है? शिकायत SP को भी दी है जी, DC को भी दी है, तहसीलदार को भी दी है। क्या मांग करते हो? मेरा मुआवजा दिया जाए, तारों को उस लाइन को परफेक्ट किया जाए। ये बिजली विभाग की तार है या किसकी तार है? बिजली विभाग की तार है, उसमें 4 कनेक्शन ले रहे हैं। पहले तो सेलर वाले ने लिया था, और अब 2-3 में उसमें टाइल फैक्ट्री वाले भी हैं और तेल वाले भी हैं, एक फार्म हाउस वाला भी है, उनको भी कनेक्शन दे रखे हैं। किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है? ये बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर भी आगे भी नुकसान होगा जी। एक आपकी बार तो 2.5 एकड़ में बच गया, आगे तो 25 एकड़ भी जड़ जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।